साथियों, बलिया के वीर रोड के स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रतियोगिताएँ कराई गई है। चंद्रशेखर मैराथन ये पांचवा प्रतियोगिता है और पहले प्रतियोगिता में अनिल यादव ने 1 घंटा 4 मिनट 57 सेकंड में लगाए थे और ये तीन साल हुआ था। उसके बाद कोरोना जब आ गया था लॉकडाउन, तो उसके बाद रुक गया था। उसके बाद से 2022 में प्रतियोगिताएँ कराई गई थी जिसमें अजय कुमार शामली के थे, उन्होंने 1 लाख रुपया प्राइज जीता था। इससे पहले 51,000 रुपया दिया जाता था और 2022 से 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। और उसके बाद से ये पांचवी बार प्रतियोगिताएँ कराई गई है तो भैया प्रथम स्थान आए हैं और सबसे कम समय में आए हैं, 59 मिनट लगा है दोस्तों। तो हम भैया से बात करते हैं। भैया का क्या नाम है? भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। कहाँ का रहने वाले हैं भैया? उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। सहारनपुर से। तो भैया आप मैराथन की तैयारी करते हैं? मैं 5 किलोमीटर नेशनल प्लेयर हूँ। नेशनल प्लेयर। कहाँ कहाँ पर भैया रनिंग करते थे, नेशनल लेवल पर जाकर किए हैं? मैं नेशनल लेवल, फेडरेशन और ओपन नेशनल और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 23 में पार्टिसिपेट और मेडलिस्ट। तो यहाँ पर भैया 21 किलोमीटर रनिंग करके आपको कैसा प्रथम स्थान आकर महसूस कैसा हो रहा है? सोशल साइट से इसकी वेबसाइट देखी मैंने, तो रजिस्ट्रेशन करा ऑफलाइन आके यहीं पे। हाँ, यहाँ पर ऑफलाइन आके कराए। हाँ, कब आए थे भैया? और यहाँ पर यहाँ पर रहने की सुव्यवस्था है ठीक ही नहीं? रहने की अच्छी सुविधा थी और खाने पाने में सब चीज अच्छा था। तो भैया और यहाँ पर कितने लमसम लड़के पार्टिसिपेट किए थे? काफ़ी लड़के थे, 200-250 लड़के थे। 200-250 लड़के। तो भैया रनिंग इतना 21 किलोमीटर बहुत अधिक होता है और इसका प्रैक्टिस आप 5 किलोमीटर बता रहे, तो 21 किलोमीटर आप कैसे दौड़ गए? कितना प्रैक्टिस करते थे 5 किलोमीटर? प्रैक्टिस करने से हो जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस के प्लेयर होंगे ना तो मैराथन कर लेते हैं, हाफ मैराथन लॉन्ग डिस्टेंस वाले 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वाले कर लेते हैं हाफ मैराथन। तो जो 21 लोगों के ये प्राइज दिया जाएगा और भैया से हम ये बोलेंगे, तो जो लोग जैसे मैं 21 के बाद उन लोगों का स्थान आया है तो उन लोगों के लिए बता दीजिए, यदि हार ना माने अगले बार आप प्रयास करते रहे, कुछ बता दीजिए। मेहनत करते रहे तो फर्स्ट तो जरूर आएंगे। और मेरे से भी अच्छी कोई मेहनत करता तो वो फर्स्ट आता। तो ठीक है भैया, आप लोग को हम मिलवा दिए, प्रथम स्थान आया है भैया का। और यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं भैया से। हम बात प्रिंस सहारनपुर के नाम से भैया इंस्टाग्राम यूज करते हैं हम। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप इनकी आईडी दे रहे हैं, आप लोग जाइए इनको फॉलो कर लीजिए। यदि बातचीत करना होगा तो आप इंस्टाग्राम के द्वारा इनसे बात भी कर सकते हैं। आज यहाँ पे कार्यक्रम रहा, किसी ने आप प्रतिभाग किए, कौवे स्थान पर आए? पहले स्थान पर आया और ये हाफ मैराथन भी। कहाँ से आप आए हैं? सहारनपुर। अच्छा, कितनी लंबी दौड़ थी ये? 21 किलोमीटर की थी सर। अच्छा, कैसे आप इस लक्ष्य को पूरा कर पाए और इससे पहले आप कैसी तैयारी किए थे? आप बलिया की कैसा लगा? बलिया अच्छा लगा सर, और मैराथन भी अच्छी थी और जो इन्होंने कराई में भी अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कराई। सब जो जितने वॉलेंटियर थे उन्होंने भी अच्छी तरीके से साथ दिया सबको, खिलाड़ी का, और अच्छा अच्छी तरीके से भी। क्या प्रथम पुरस्कार के रूप में आपको क्या मिला है? 1 लाख रुपये। और ये सिर्फ? अच्छा, जिला प्रशासन और आज चंद्रशेखर जी की इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे आज? यही कि अच्छा लगा वो आके, और एक लड़कों जो युवा है उनसे मिलने भी बहुत ही प्रभावित होंगे कि अच्छा प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, नहीं होता, हम इतनी दूर से आते हैं खेलने के लिए और हम भले आए इतनी दूर मजा खेल के बढ़िया। और सभी जितने भी मैन थी कैसी तैयारी की थी आप इसके लिए? आज दौड़े आप, किस तरीके की आपको अनुभव का वो हुआ यहाँ पे आभास? अच्छा लगा भाग के, 21 किलोमीटर थी मेरा गेम नहीं फिर भागा, लेकिन भागता मैं 3-4 मैराथन भाग लिया इस बार। और क्या काम करते हैं? 3-4 मैराथन में फर्स्ट आया हूँ। क्या करते हैं? मैं इंडियन नेवी में जॉब करता हूँ। और अन्य युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? यही कि मेहनत करो सब, आज मैंने जीता कल तुम भी जीतोगे। हम उससे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी। मैराथन समिति के सभी सदस्यों से
आपको सभी लोग आ गए। इसको जनता प्रतियोगिता का सबसे बुजुर्ग नौजवान।